डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल श्रेणी में आपका स्वागत है। आज 10th सोशल साइंस में आपका टॉपिक है मृदा अपरदन के कारण। तो जैसा कि विषय वस्तु के आधार पे समझेंगे हम लोग कि मृदा अपरदन के कारण पे अध्ययन करेंगे। मृदा अपरदन होता क्या है? मिट्टी का जो ऊपरी सतह है, जब ये कट जाता है किसी भी रूप में, वो ऊपरी परत का हट जाना ही उसका क्या कहलाएगा? मृदा अपरदन कहलाता है। तो इस तरह से मृदा अपरदन जो है, वो ऊपरी परत जो है किसी रूप में नष्ट हो जाना या उस स्थान से कहीं और बह के चले जाना किसी भी कारण से, तो इस तरह से मृदा अपरदन जो है ऊपरी परत का हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के कई कारण हैं, इन कारणों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो जैसे फर्स्ट है वायु अपरदन। पृथ्वी की जो सतह है, इसका जो लेयर ऊपर का हिस्सा है मिट्टी का, जिसपे हम कृषि योग्य क्षेत्र में कृषि करते हैं इस भूमि पर, लेकिन जब किन्हीं कारणों से इसका ऊपरी परत जब कट जाता है, क्योंकि ऊपरी परत में जैसे खाद डालते हैं, इस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जीव जंतु इस पे क्रियाएं करते हैं, जिससे ये पूरा क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है, उर्वर हो जाता है और इस पर कृषि कार्य किया जाता है। लेकिन जब ये परत जो है ऊपरी हिस्सा अगर कट करके हट जाए या कहीं दूर चला जाए, तो ऐसे स्थिति में इसकी उर्वरता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे चूँकि वायु अपरदन है, वायु अपरदन का मतलब है वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव, वायु अपरदन कहलाता है। वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव वायु अपरदन कहलाता है। तो यहाँ पे चूँकि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे रेतीली भूमि है, जब मिट्टी रेतीली होगी तो धूप शुष्क होने की स्थिति में वो उड़ती है। जैसे आप देखा होगा कि जैसे मिट्टी दोमट मिट्टी है, चिपचिपी होती है और नमी भी होती है इसमें और ये उड़ती कम है। लेकिन जो रेतीली मिट्टी होती है इस पे चूँकि घास फूस भी ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि घास फूस की विशेषता क्या होती है कि वो घास फूस इनकी मिट्टी के में जो है उनकी जड़ों के द्वारा बंधे होते हैं और वायु चलती भी है तो ये मिट्टी जमीन से उखड़ करके उड़ती नहीं है। हाँ, धूल हल्के जो मिट्टी होती है सूखा होता है, थोड़ा बहुत उड़ता है, लेकिन जब पूरे प्रेशर से जब चाहे इतनी तेज़ आंधी चले, लेकिन जहाँ दोमट मिट्टी है वो चिपचिपी होती है, ज़मीन में चिपकी होती है तो उड़ती नहीं है। लेकिन रेतीली भूमि की क्या विशेषता होती है, ये अगर शुष्क होती है, इसमें झाड़ियाँ भी कटीले जाल झाड़ियाँ होती हैं बहुत कम होते हैं, घास फूस बहुत कम होता है, चूँकि घास फूस जो है मिट्टी को बांध के रखता है। और ऐसे स्थिति में जब बहुत तीव्र गति से वायु हवा चलती है, पवने चलती हैं, तो ये मिट्टी जो है क्या होती है, कट करके दूर चली जाती है। और इसमें एक समस्या और होता है, जब ये बालू के कण जो है जब उड़ने लगते हैं तो एक जगह पे जहाँ पे पवन स्थिर हो जाता है वहाँ पे जाके एक मलबा इकट्ठा हो जाता है बालू का पूरा। तो इस तरह से एक मिट्टी वायु के द्वारा जब मिट्टी का कटान होता है रेगिस्तानी क्षेत्र में विशेष रूप से, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते ज़्यादा, घास फूस ज़्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ पशुओं की चराई के कारण वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में रेतीली और शुष्क भूमि होने के कारण जो है वायु अपरदन की क्रिया यहाँ पे तीव्र गति से चलती है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से वायु के द्वारा जो मिट्टी का कटाव है उसी को बोलते हैं वायु अपरदन। अब ये वायु अपरदन की क्रिया के कारण मिट्टी का ऊपरी सतह उड़ करके कहीं दूर जाके जमा हो जाता है, दूर उड़ के चला जाता है, इस वायु अपरदन को कैसे रोकेंगे? तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे वायु अपरदन के कारण जो है रेगिस्तान का क्षेत्र भी बढ़ रहा है, मरुस्थली क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे जल प्रवाह, नदियों का प्रवाह किसी न किसी रूप में करना चाहिए। जहाँ पे नदियाँ बहती हैं वहाँ से इन क्षेत्रों को नहरें निकालनी चाहिए, वृक्षारोपण के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास करना चाहिए, चराई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इन सभी कार्यों के द्वारा इस क्षेत्र को मरुस्थली क्षेत्र से बचाया जा सकता है। जहाँ पे वायु अपरदन की क्रिया तीव्र गति से होती है उन क्षेत्रों को अगर नहीं बचाया गया तो रेगिस्तानी क्षेत्र में विस्तार हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में सभी के लिए नुकसानदेह, अगर रेगिस्तान क्षेत्र विकसित होगा
जितना विस्तारित होगा उतना ज़्यादा लोगों का नुकसान होगा सभी जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र बढ़ जाने के कारण ना पेड़ पौधे होंगे ज़्यादा, ना हरियाली होगी, और ऐसी स्थिति में चारों तरफ धूल ही धूल होगा जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से ही ऐसे क्षेत्रों को, इन रेगिस्तानी क्षेत्रों को मरुभूमि से होने से बचाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, इन क्षेत्रों में नदियों के या जल स्रोतों का विकास करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे वृक्ष लगाए जा सके। तो इस तरह से जो वायु के द्वारा जो मिट्टी का जो कटाव होता है उसी को क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। दूसरा है जल अपरदन, बहुत सिंपल सरल शब्दों से सीखेंगे। जल के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है वो क्या होता है, जल अपरदन कहलाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं भारत जो है भौगोलिक विविधताओं वाला देश है, यहाँ पे ग्रीष्म काल में जल भले ना हो लेकिन बरसात के दिनों में नदियों का बाढ़ उफान पे होता है। हिमालय से जो नदियाँ सीधे मैदानी क्षेत्रों में आ रही हैं वे पूरे तांडव करती हुई किस तरह से समुद्र में लास्ट में प्रवेश करती हैं, और मैदानी क्षेत्रों में जो है इस तीव्र गति से बहती हैं कि आसपास के एरिया में पूरा जल ही जल भर जाता है, और इस टाइम में बरसात के दिनों में बहुत तीव्र गति से क्या होता है, मिट्टी का कटान तेज हो जाता है। तो क्यों समुद्र जो है नदियों के द्वारा ही नहीं, बरसात के समय जहाँ पे कृषि योग्य भूमि है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ खेतों में आम प्लेस जो हैं वहाँ पे जल भराव की स्थिति हो जाती है, और इस जल के कारण जो मिट्टी का कटाव होता है इसी को क्या बोला जाता है, जल अपरदन। यानी जल के द्वारा जो अपरदन होता है, मिट्टी कटने की जो क्रिया होती है इसी को जल अपरदन बोला जाता है। तो इस तरह से जल अपरदन की क्रिया के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी कट करके बह जाती है। ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी के कटने के कारण जो है जो कृषि कार्य किए जाते हैं, जब तीव्र गति से पानी का फोर्स आता है तो उस मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाता है, जो उसमें उर्वरक क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो उपजाऊपन होता है मिट्टी में वो तत्व बह करके दूर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए भी जो है बचाव कार्य करना चाहिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। पेड़ पौधे लगे रहेंगे तो पानी का बहाव भी तीव्र गति से नहीं होगा, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है मिट्टी के कटाव को वृक्षारोपण के माध्यम से रोका जा सकता है। अगर नदियाँ हैं तो उस पर सरकार के द्वारा बांध बनाया जाना चाहिए, बांध के माध्यम से जो है जल के स्तर को, उसकी गति को रोका जा सकता है, और बांध को स्टोर किया जा सकता है, और ग्रीष्मकाल के समय इन्हीं क्षेत्रों में जल का संचार किया जाए जिससे वृक्षारोपण को बढ़ावा मिल सके, या फिर जो है इन क्षेत्रों में नहरों का विकास करके अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए, कृषि योग्य कृषि इन क्षेत्रों में कृषि किया जाए जिससे जो है ये क्षेत्र जो है जल कटाव से बच सकते हैं या जल अपरदन से बचाए जा सकते हैं। अगला है मानवीय कारण। मृदा अपरदन जो है मानवीय कारणों से भी होता है। मानव के द्वारा जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, वृक्षों को इतनी तीव्र गति से काटा जा रहा है कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि इस वसुंधरा में, इस पृथ्वी पे कहीं पे भी वृक्ष ही नहीं रहेंगे, हर जगह पे सड़कें बन जाएंगी, हर जगह पे घर बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वृक्ष जब नहीं रहेंगे तो मानव जीवन को, प्राणियों को, जीव जंतुओं को, सबके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, इस जीव जगत के लिए खतरा है। ऐसे स्थिति में जो है मानवीय जो गतिविधियाँ हैं इनके कारण भी मृदा अपरदन की क्रिया होती है। तो मानव के द्वारा बहुत तीव्र गति से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, मानव के द्वारा जो है चराई की जाती है पशुचारण के द्वारा, तो ऐसे में भूमि का भी निम्नीकरण होता है, और भूमि के निम्नीकरण के कारण जो है ये स्थिति बनती है। जब चराई तीव्र गति से होगी तो मिट्टी में जो घास फूस होती हैं उनकी जड़ें होती हैं मिट्टी को बांध के रखती हैं, और जब ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा पशुचारण होता है नियंत्रित नहीं होता तो मिट्टी उनके पैरों के कारण जो है मिट्टी जो घास फूस की स्थिति होती है घास फूस नष्ट हो जाते हैं, और जब घास फूस नष्ट हो जाएंगे तो मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाएगी, और भुरभुरी होने के कारण जो है जब भी यहाँ पे मृदा अपरदन होगा चाहे वायु के द्वारा चाहे जल के द्वारा तीव्र गति से होगा, तो ऐसी स्थिति में मानव क्रियाकलापों से भी मृदा अपरदन होता है। इसको रोकने के लिए जो है वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, सीढ़ीदार कृषि कार्य करना चाहिए,
बांध बनाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, मेड़बंदी कैसे करें, किस तरह से खेतों में जल भराव को बहाने के लिए नालियों का विस्तार करें, नए ढंग से कृषि कार्य करें जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो में अध्ययन किया कि किस तरह से मृदा अपरदन होता है, उसके कौन कौन से कारण हैं, किस रूप में कैसे किन मृदा अपरदन को कैसे रोकें, क्या उसके लिए प्रबंधन करना चाहिए चाहे सरकार के द्वारा, सरकार भी इस दिशा में अपने कार्य करें, मृदा अपरदन के क्षेत्र में योजनाओं को क्रियान्वित करें, लोगों को आर्थिक सहायता दें कि वृक्षारोपण करें, हर व्यक्ति पौधे लगाए। केवल कागज़ पे काम चलाने से नहीं हो पाएगा, बल्कि व्यवहारिक रूप से इसे सरकार को ऐसी योजनाओं के द्वारा लोगों को आर्थिक रूप से सहायता भी दिया जाएगा। आप अगर अपने क्षेत्र में इतने पौधे लगाएंगे, अगर वो पौधा बड़ा हो जाएगा तो आपको पैसे दिए जाएंगे, या हर व्यक्ति को अनिवार्य कर दिया जाएगा आपको वृक्षारोपण हर हाल में करना है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को व्यवहारिक रूप से कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे जो है इस मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में नए विषय वस्तु आप फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।